छः तारीख चौथा महीना 2006 मेरी पत्नी का 4th डेथ एनिवर्सरी था। उस दिन पेशेंट बनकर आई हुई एक छोटी लड़की मुझसे ऐसी पूछी, आप आंटी की समाधि जाकर फूल रखे हैं क्या? उस समय मैंने घास का फूल नामक ये गाना रचा। के फूल के समान बुलबुले के समान तेरी जिंदगी है ओ माई जी, तेरी जिंदगी है ओ बहन जी। सीखने के पहले फटने के पहले, सीखने के पहले फटने के पहले जन्म लेना है, नया जन्म लेना है, सुसमाचार मान के जन्म लेना है। यीशु मार्ग, यीशु सत्य, यीशु जीवन है, उनको मानने वालों को अनंत जीवन है, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। 90 या 92 में सड़क पर चलते समय एक पेशेंट मेरे सामने जब आया, मैंने उनको यीशु मसीह को मानने के लिए समझाया। उन्होंने ये जवाब दिया, तुम्हारी पत्नी मानने के बाद मैं मानूंगा। मेरी बीवी तो यीशु मसीह को मानकर गुजर गए, मगर मेरे पेशेंट को मसीह को मानने का मौका ही नहीं मिला। मुझसे मिलने के 2-3 साल में ही अचानक दिल का दौरा से वो मर गए। धीरे से फूल सूखने की तरह मेरी बीवी मर गई, अचानक बुलबुले फटने की तरह मेरा पेशेंट मर गया। आप कैसे मरेंगे आपको पता नहीं, इसलिए यीशु मसीह को अभी ही मानने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ।